रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के कोच में रविवार रात को अचानक आग लग गई। कोच से धुआं निकलते देख आरपीएफ तथा रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग काफी भड़क चुकी थी, इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन के जिस कोच में लगी थी वह पूरी तरह खाली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली ट्रेन को खड़ा किया गया था। इसे सोमवार सुबह इंदौर रवाना किया जाना था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल कर आग लगने का कारण जांचा जाएगा। मेडिकल कंपनी के प्रतिनिधि अजीम परवेज खान निवासी शिपा विहार कॉलोनी ने बताया कि वह अपने पैतृक गांव मक्सी गए थे। वहां से रात को लौट आए थे। अपनी बाइक लेने के लिए भारतीय ज्ञान पीठ की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अजीम ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी इंदौर उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लगी हुई है। कोच में से काफी धुआं निकल रहा है। इस पर अजीम ने तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन किया था। इसके बाद आरपीएफ के जवान भी मौके पर आ गए थे। रात करीब 10:55 पर अजीम ने फोन पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। आग ट्रेन के आखिरी तीसरे नंबर कोच में लगी थी, जिसे दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। अजीम की सूझबूझ के कारण आग ज्यादा नहीं फैली। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।